मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन माइल मोर विद जैमिन एंड सजनी। और आज का जो एपिसोड है ना, एक स्पेशल एपिसोड बना है। आज है संडे 28 मई और अभी बजे सुबह के 5, और मैं कोई अभी राइड पे नहीं जा रहा हूँ, ना कोई डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। आज एक बहुत ज्यादा स्पेशल इवेंट है, उसके लिए जा रहा हूँ मैं अहमदाबाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ नीचे अपने घर के नीचे, और ये दो मेरे दोस्त खड़े हैं, शुशिल ब्रो हो एंड दैट करण ब्रो, ये मेरा राइडिंग बड़ी। और ये करण, अब दोनों के चेहरे बड़े काले काले दिख रहे, कोई बात नहीं, हम रस्ते में उनके चेहरे पे हाईलाइट मारेंगे। और इधर है हमारी गाड़ी, जो कहाँ गई, हाँ वो रही मेरी गाड़ी। तो अभी हमारी गाड़ी होगी स्टार्ट और मिलते हैं रस्ते में दोस्तों, चलो बाय बाय। तो चंदा मामा के टाइम पे हम लोग मिले थे, अब सूरज चाचू आ गए हैं, और जो काले काले चेहरे जो दिख रहे थे वो एक्चुअली सब दिखने लगे हैं अच्छे खासे। ये मेरा राइडिंग बड़ी सुशील, और पीछे जो बैठा ना झंडा लेके, नहीं क्या लिखा है यार, वो सब नहीं दिखाने का, वो सब सर अपना वो है, बाद में वाली चीज है, वो सरप्राइज वाली चीज है, वो करण है, जो मेरी सरप्राइज बिगाड़ रहा है अपना। लेकिन अभी तक हमने रिवील नहीं किया था हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, वो भी देखने जा रहे हैं फाइनल्स मैच, आईपीएल का आज फाइनल मैच है, और हम जा रहे हैं अहमदाबाद देखने के लिए, बस धोनी को मिलना जा रहे हैं। नहीं, अपने तो जीटी वाले भाई, अपने तो जीटी वाले हैं, जीतेगा तो जीटी जीतेगा। हालांकि यार एमएस धोनी के लिए प्यार मोहब्बत तो है, अरे दोनों, और वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के लिए, फिर भी रिवील तो कर दिया कि हम लोग मैच देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से टिकट मिली है दोस्तों, पूरा हाउस फुल, स्टेडियम फुल, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये पीछे जो जुगाड़ू दोस्त बैठा है ना, उसके थ्रू और सुशील के थ्रू हम लोग को 4 टिकट का अरेंजमेंट हुआ है। मेरी दीदी बड़ोड़ा से ज्वाइन करने वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं उधर। अभी बहुत तेज लगी है भूख, तभी करेंगे ब्रेकफास्ट, और हम लोग जहाँ एज यूजुअल जो जगह पे जाते हैं वही जगह पे आज रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और वहां से फिर अहमदाबाद के लिए निकलेंगे, टिकट कलेक्ट करेंगे, और आगे मिलते हैं दोस्तों आपके साथ। तो बने रहे वीडियो के साथ और धमाल मस्ती करते रहेंगे यार, ये तो फन है, संडे है, और मस्ती करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। हवे नाम लीदू छे तो पीता जजो, तो पीने ही तो आए हम लोग भाई चाय। तो दोस्तों फाइनली दीदी आ गई है, और ये है सीएसके लवर और एक नंबर की सटोड़ी है, पता नहीं कितने पैसे कमाए होंगे। और जब भी मैंने बताया कि उसको टिकट मिल रही है तो उछल उछल कर पतली हो गई है, 2 किलो कम हो गया कल से, कि मैं मैच देखने जाने वाले लाइव, और पता नहीं ये मैच में उसने कितना पैसा लगाया और किस पे लगाया है, वो देखेंगे बाद में। तो फिलहाल हम लोग अभी ऑनेस्ट से निकल रहे हैं हमारी एज यूजुअल जगह पे। मेरा बड़ी पीछे चला गया है सोने के लिए, ये अपना अल्लू अर्जुन नहीं लग रहा एकदम, हाँ अल्लू अर्जुन वाला लुक है ना पूरा इसका, आलू 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 अर्जुन झूकेगा नहीं साला। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अहमदाबाद की तरफ, मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, हमने सोचा कि बहुत धूप होगी लेकिन मस्त क्लाउडी है, मजा आएगा अभी ड्राइव करने का। अब फटाफट से पहुंचेंगे अहमदाबाद, टिकट का जुगाड़ कैसा हो रहा है मैं तब को आपको बताता हूँ वहां पहुंच के, कि हमको कहाँ से कब कलेक्ट करना है टिकट, क्या प्राइस है, कुछ नहीं मालूम है, ब्लाइंड में जा रहे हैं। टिकट मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं मिलेगी तो सुशील बहुत मार खाने वाला है, उसको वहीं छोड़ के मैं आ जाऊंगा अगर नहीं मिलेगी तो। लेकिन चलो अहमदाबाद में मुलाकात करते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अहमदाबाद, और हमारी टिकट हो गई है बुक, और मिल चुका है हमारा टिकट, कहाँ है करण टिकट देखा, यस कौन सा रो है, कौन सी सीट है, वो वहां जाके देखेंगे। और ये हमारा अल्लू अर्जुन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है तू, क्या तू क्या बता रहा था। तो चलो दोस्तों अभी टिकट मिल चुकी है, अब देखते हैं क्या टाइम पास करना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग को 3 ही टिकट मिला है, ये तो बाहर रहेगा। हाँ मैं इधर ऊपर चीयर लीडर की जगह पे जाने वाला हूँ। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैं पोंग पोंग लेने जा रहा हूँ, मेरे को वहीं वहाँ का मिला, ये दिखा 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 टिकट दिखा, लो 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 लो, 6000 का एक टिकट, ये 6000 रुपीज। और कौन सा रो है, W रो है, अब देखते हैं W रो कैसा आता है, कितना ऊपर है कितना दूर है। तो अभी कैसे टाइम पास करेंगे देखते हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट बजे है कितने, 11
10:35 यार, हम तो कब के फ्री हो गए। अब देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट स्टेडियम जाते हैं। यहाँ से स्टेडियम को 14 किलोमीटर कुछ है, आधा घंटा बता रहा है। पार्किंग वार्किंग की जगह देखते हैं, फिर आगे कुछ खाने पीने का सेटिंग करते हैं, और कोई रूम वूम देखेंगे, सो जाएंगे। बहुत नींद आ रही है। इतना अच्छा इंसान है, एक सेकंड सोने नहीं दिया। हाँ, तो मेरे को इतना अच्छा कंपनी दिया, ऐसा ड्राइवर को हम लोग लेके आए। तीनों जन एकदम आंख खोल के टटार होके देख रहे थे रोड पे, और एक एक चीज मुझे बता रहे थे, कौन सा पेड़ किधर आ रहा है, कौन सी गाड़ी किधर जा रही है। तो उन लोग बहुत अटेंटिव थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे, कुछ खाने पीने की जगह देखेंगे, अगर होटल हुआ तो होटल लेकर सो जाएंगे, और डायरेक्ट स्टेडियम पे मुलाकात करते हैं। चलो बाय बाय गाइस, चलो बाय 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 बाय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हमारे पार्किंग लॉट में, और ये साले तीन गद्दार CSK सपोर्टर्स अपने साले गुजरात टाइटन्स वाले, अपने यहाँ के गुजरात के, अपने को गुजरात को सपोर्ट करना है। हाँ 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 भाई हाँ, अभी उसके पीछे वाला भी पढ़। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी स्टेडियम, यह पार्किंग लॉट है, पार्किंग नंबर 7 और 8 यहाँ है। यहाँ प्री बुक होता है, यहाँ प्री बुकिंग आपको पार्किंग करनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे देख सकते हो पीछे पूरा पार्किंग भर जाएगा। यहाँ से कुछ 160 मीटर्स पे स्टेडियम है, तो हम स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन देख के माहौल बहुत ज़ोरदार आ रहा है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, जगह देखेंगे तो CSK सपोर्टर ज़्यादा दिख रहे हैं आज, CSK सपोर्टर ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो जीतने वाली गुजरात टाइटन्स ही है। यस, आगे बढ़ते हैं और एंट्री करते हैं। दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है स्टेडियम, और मेरा भाई मिला मेरे को मस्त वाला, ये मेरे को लेके जाने वाला स्टेडियम में, बैठूंगा इसके बाजू में, और ये सारा एक्सपीरियंस है, तो मजा है यार। और मेरा चैनल है भाई दोस्त ब्लॉग करने का, वो फॉलो कर रखा है यूट्यूब पे। तो यहाँ से हम जाने वाले सीधा स्टेडियम, जो भाई ने मेरे को डरा दिया पहले ही कि 3 किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ेगा। मैंने जब पार्किंग किया तो उसके अंदर बताया था 160 मीटर, लेकिन अब ये बता रहा है 3 किलोमीटर। तो अगर 3 किलोमीटर नहीं मानते हैं भाई को, मैं पास सूरत लेके जाऊंगा। और देखो हमारा PHS CSK, ये हमारा अल्लू अर्जुन सबसे हैंडसम बंदा, ये वो देखो भाई, ये मेरी बहन, ये सब साले गद्दार CSK वाले। हालांकि मैंने जीतेगा तो गुजरात टाइटन ही, लेकिन मैंने यार दोस्तों मैंने भी है ना एक CSK का टी शर्ट लेके रखा है, गलती से भी अगर CSK जीतने लगा छुपके से जाके भी टी शर्ट बदल के बैठ जाने का, ठीक है। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं, पहले बात तो ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि अपनी टीम ही जीतने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते, ये रास्ते में हम सुबह से घूम रहे हैं 11 बजे से, तो अब जाके हम थोड़ा माहौल सेट हो रहा है कि कुछ मैच जैसा लग रहा है। तो अभी जाते हैं स्टेडियम पे, एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसे है वहाँ का सिस्टम, क्योंकि यार देखो सब दोस्तों आप लोग को TV पे तो मैच देखने को मिल जाता है, लेकिन मैच के पहले और बाद में क्या माहौल होता है वही दिखाने के लिए बेसिकली ये चैनल और ये एपिसोड बनाया है। तो आपका नाम क्या है? भार्गव भाई नाम से है हमारा मित्र नु, अने जोरदार रिक्शा वाला है, गेट नंबर 7 के बाहर है। अगर कोई ने आया हुआ है और ये मेरा चैनल देख रहा होगा अभी, तो भार्गव भाई दिखेंगे। बाहर वाले 200 रुपये ले रहे थे, हमको बहुत रिक्वेस्ट की, तो 150 रुपये में लेके जा रहे हैं हमारे साथ। बराबर ना भार्गव भाई, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे मिलते हैं। नहीं ये देने ले लीजिए। क्या बोल रहा है सुशील? क्या बोल रहा था? क्या बोला? कुछ बोल रहा था ना। अरे यार मेरे को लगा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे। हम लोगों का क्या है, गेट नंबर कितना था? पार्किंग नंबर 8 था अपना। पार्किंग कहाँ की अभी? 7 में। 7 और 8 कॉमन है। कॉमन है। हाँ 7 और 8 कॉमन है। देखो साला जहाँ देखो CSK के टी शर्ट वाले ही दिख रहे हैं। पूरा स्टेडियम साला येल्लो के रहने वाला है। पूरा स्टेडियम येल्लो दिखने वाला है जहाँ देख रहे CSK। अच्छा कि हम एक टी शर्ट लेके आया हूँ। देख CSK एक्चुअली क्या है, जीटी वाला सब अंदर घुस गया पहले। सपोर्ट तो जीटी को ही करेंगे, पर टी शर्ट CSK का पहनेंगे ना दोस्तों। वो येल्लो कलर ना दूर दूर से फोकस मारता है, अभी ब्लू कलर क्या छुप जाता है, येल्लो कलर फोकस मारता है, इसलिए फोकस के चक्कर में लोगों ने CSK का टी शर्ट पहना है। लेकिन है तो सारा सब गुजराती है ना, अंदर सब गुजराती वाले। तो क्या है देखो, फिर एक और दो तीन दिखे CSK वाले। ये इसका हार्दिक का, इसलिए कोई नहीं ले रहा है। हार्दिक का क्या है? हार्दिक का जगह पे किसी और का नेम रखना चाहिए, गिल का नाम चाहिए था। गिल सेंचुरी मारेगा अभी, तो आज तो और मस्त खेलने वाला है। कौन? गिल और मोहित। आज मोहित का परफॉर्मेंस आएगा। मोहित
करेगा। अरे तू देख आज तो वो लास्ट मंथ में वो लास्ट वीक उसमें पिटाया था ना ये अपना, ये कौन था अपना राशिद खान, नहीं राशिद खान नहीं दूसरा कौन था अपना ये जिसको 24 रन मरे थे एक ओवर में, अरे यार शामी इस बार शामी विकेट लेगा, इस बार तो शामी। अरे टाइटंस का भी टाइटंस का अंदर मिलेगा, हाँ स्टेडियम के अंदर रखा हुआ होगा, हाँ सीट के ऊपर, ठीक है। अच्छा फ्री में, फ्री में नहीं गए, देख 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 ये खरीदना पड़ता फ्री में दे रहा है टाइटंस का, फ्री में दे रहा है यार, फ्री में क्योंकि मालूम है गुजरात जीतने वाला है। देखो सीएसके का झंडा इधर कितना गए जब गुजरात गिल गिल बेटा गिल ने टी शर्ट क्या दिलाई वो आपको ये सब गिल की टी शर्ट मिल रही है यार, तो गिल इधर ले लो। हाँ गिल की लेने की थी टी शर्ट इधर भी मिले, अरे झंडा ले ले एक ले ले देख झंडा ले ले कितना नु है मासी फ्लैग कितना नु है 100 रुपया आटलू मोंगू नहीं आपने यार आऊ नहीं कोई खबर जीतवानी तो टाइटन साथ छे हरवानी छे तो अपने शो करी हवे बोलो कितने का लेने गए भाई 100 का दो दे देना भाई 4 दो 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 ही दे दो दो ही दे दो 100 का दो भाई गुजरात का नहीं है गुजरात का तो फ्री में मिलेगा अंदर मेरे को मालूम है गुजरात का अंदर मिल जाएगा अंदर मिल जाएगा यार गुजरात का कोई नहीं अरे गिल की टी शर्ट है गिल की टी शर्ट यार ऐसा क्यों कर रहे हो आगर से अरे चलो कोई वांदो नहीं चलो 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 दोस्तों मिल गया हमको झंडा भी मिल गया लेकिन गुजरात का झंडा तो हमको अंदर ही मिलेगा फ्री में इन लोगों को खरीदना पड़ा 50 रुपए का क्या है उसका एक रीजन भी है क्या रीजन है ये गुजरात का झंडा कोई नहीं ले रहा है क्यों नहीं ले रहा है क्योंकि मालूम है जीतने वाला है अरे मालूम है कि इसमें कमाल हो क्योंकि अभी ये अंदर जाके सारा झंडा फेंकने वाला है सीएसके का इसलिए चलो चलो आगे 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 के बाद जानो सिद्धू जानो भार्गव How your feeling, Mr. Shushil? कैसा फील हो रहा है? एकदम सुपर गुजरात का फ्लैग मिलेगा मिलेगा अंदर मिलेगा और कैसा फील हो रहा है आपको आके इधर एकदम सुपर देखो धोनी कैसा फील हो रहा है आके आपको इधर धोनी क्या धोनी घंटा धोनी आज धोनी है अच्छा ही है आज गुजरात गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग आया मतलब मैं बचपन में आया था बहुत साल पहले एक इंडिया हॉलैंड की मैच थी बड़ौदा में तब देखा था उसके बाद तकरीबन 20 साल के बाद स्टेडियम में लाइव मैच देखने आ रहा हूँ पूरा माहौल चेंज हो गया है बहुत ज्यादा मजा आ रही है और फीलिंग एकदम डिफरेंट है लेकिन सच बोलूं जहाँ देखो वहाँ सिर्फ धोनी है तो फोन ऐसे कोई खींच के लेके ऐसा कैसे फोन खींच के लेके जाएगा यार सब अपने ही लोग यहाँ के तो यस अभी जा रहे हैं अंदर गेट नंबर 1 पे देखते हैं कैसा मजा आ रहा है दोस्तों मानो नहीं मानो सीएसके के फैंस तो ज्यादा है थैंक यू बॉस सो फाइनली फर्स्ट बैरिकेड हम लोग ने पार कर दिया टिकट वाला और ये है मेन स्टेडियम आ जाओ सेल्फी लेंगे मजा जल गया और कुछ भी अलाउड नहीं है दोस्तों ना फ्लैग है लेकिन फ्लैग का स्टिक अलाउड नहीं है कोई बैनर अलाउड नहीं है कोई पीपोडी अलाउड नहीं है उसका स्टिक लेके नहीं जाना है आइस खा सकता है स्टिक अलाउड नहीं है कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ अंदर जाने के ले जाने के लिए फिर भी हम लोग ने सेल्फी क्लिक करवाई है अभी हमारे बोर्ड्स के साथ और अभी जा रहे हैं अभी बोल रहे हैं चेकिंग बस आज से सानू तो सेल्फी स्टिक पर नहीं लाई वो नहीं है
सनस्क्रीन लोशन है, सनस्क्रीन लोशन यो यो जय उंदू जय उल्टा है उल्टा है। सो दोस्तों यहाँ बहुत खतरनाक चेकिंग है, सनस्क्रीन लोशन भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। मेरे दोस्त ने अभी कितना 1000 रुपए वाला सनस्क्रीन लिया, 1000 रुपए वाला, अब उसको उसके अंडरगारमेंट में या सॉक्स में कहीं छुपाने का प्लानिंग कर रहे हम लोग, क्योंकि फेंक तो फेंक नहीं नहीं फेंकना नहीं, वापिस आके लेके आएंगे अपने। चले अभी जाएंगे सेकेंड चेक पोस्ट पे, यहाँ से फाइनल वाली चेकिंग और एंट्री होगी। और ये देख ये बैंगलोर वाला क्या कर रहा है, आरसीबी नॉट अलाउड। कहाँ गया सुशील, चल सुशील डाल दिया अंदर। सो तो हम लोग जा रहे हैं अभी सेकंड बैरिकेड में और यहाँ से हमारी होगी फाइनल चेक इन। मैं आपको प्रोसेस दिखाऊँ, यहाँ होता है फाइनल वाला चेक इन, कुछ भी सामान अलाउड नहीं है ले जाना, तो कॉर्पोरेट करो मेहरबानी करके यहाँ कोई भी सामान लेके ना जाओ, ओनली फोन और टिकट और वॉलेट ही अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। ये निकालो, वॉलेट छे, पैकेट छे, पैकेट छे, साथे चाबी छे, गाड़ी नहीं। सो हो गया हमारा सक्सेसफुल रहा, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। अभी दीदी का वेट कर रहे हैं, किधर है, मैं तेरे पीछे ही हूँ, अभी तू निकल आराम से। आ रही दीदी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फोकस नहीं उन लोग का। डन, चलेंगे। सो सेकंड बैरिकेड क्लियर करने के बाद हम जा रहे हैं थर्ड बैरिकेड, दो एक है 1B एंड 1A, और 1A में हम जा रहे हैं और आई थिंक ये प्रीमियम वाला है, तो बहुत कम लोग हैं और शायद हम लोग को अमेजिंग सॉलिड वाली सीट मिलने वाली है दोस्तों। सेकंड बैरिकेड फाइनल वाला, अरे नो सीएस के जीटी 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 भाई जीटी, मैं धोनी की भी टी शर्ट लेके आया हूँ, जो जीतेगा अब चेंज कर लूंगा। गर्मी बहुत है लेकिन माहौल तेज है, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, धूप तो है ही साथ में माहौल भी बहुत ज्यादा गर्म है। क्या बोल रहे सुशील मेरे यार, ये सब ये साला मेमोरी जिंदगी का मिल गया, लाइफ टाइम का मेमोरी मिला है यार। मतलब देखो मैच कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्सपीरियंस अभी हम लोग को हो रहा है ना, मतलब ये यार काउंटलेस एक्सपीरियंस है, इसको हम वर्ड्स में पोर्ट्रे नहीं कर सकते, क्योंकि मैच तो क्या लोग सब टीवी पे देखते ही है, लेकिन मैच के पहले का जो फीलिंग है वो खतरनाक है दोस्तों। ये देखो क्रिकेट ग्राउंड देखना शुरू हो गया है, ये पकड़ प्लीज, पहली बार प्लीज पकड़ेगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये ग्राउंड दिखना शुरू हो गया। ये रोहित भाई अकेला खड़ा हो गया, चल ग्राउंड का फर्स्ट झलक देखते हैं, ग्राउंड की फर्स्ट झलक भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा यहाँ का ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फर्स्ट लुक, टनन 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 टनन। सो ये है सारी सीटिंग है दोस्तों, ये शायद आपको टीवी में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं लाइव एक्सपीरियंस दे रहा हूँ सबको। अभी हमको देखना है कि हमारा कौन सा है, बहुत जोरदार फीलिंग आने वाली है। चलो अभी हमारे सीट ढूंढते हैं और मुलाकात होती है आपसे हमारे सीट पे, मैं भी जरा आजू बाजू के माहौल देख लूं और मुलाकात करते, बाय बाय।
यहाँ कोई भी चीज बाहर की अलाउड नहीं है। पानी की बॉटल 60 रुपए की है, दो बॉटल 120 रुपए की, फुल ऑन कमाई इन लोग की दोस्तों। सो पैसा खूब लेके आओ अगर स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हो, और यहीं पानी पी के जाना है आपको नीचे स्टेयर केस या सीट, आपकी सीट के वहाँ पानी का बॉटल या कुछ भी खाने पीने ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। और हमारा सीट नंबर है 151-135 पे, तो पूरा हाफ चक्कर लगेगा और हम पहुँचेंगे हमारे सीट पे। आई डोंट नो, मैंने भी अलाउड नहीं है, सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, माइक अलाउड नहीं है, तो मैं रॉ डायरेक्टली फ़ोन के अंदर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो शूट कैसा आएगा। वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन साउंड क्वालिटी कैसी है मुझे मालूम नहीं है, तो यस देखते हैं। ये सब मेरे बंदे मेरे स्पॉट्स मेरे पीछे फॉलो कर रहे हैं। यस, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, बहुत खूबसूरत है। ये ऊपर ब्लॉक के ब्लॉक है जो मतलब अपर लेवल पे सीट करने बैठने के लिए यहाँ है पूरा, और ये लोअर लेवल का पूरा सीटिंग है यहाँ। सो आप जैसे देख सकते हो ये है लोअर लेवल की सीटिंग और ये है अपर लेवल की सीटिंग। तो हम देखते हैं कि हमारा 151 में कहाँ है। सो लेट्स गो और चेक करते हैं कि हमारा 151 वाली सीटिंग लोअर में है कि अपर में है, और वहाँ से व्यू कैसा आ रहा है वो देखते हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। 151 जो नंबर है दोस्तों हमारा थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी का है, तो हम जा रहे हैं हमारे इंटरनल प्रीमियम कैटेगरी में, और ये वीडियो क्वालिटी बहुत अमेजिंग हो गई है, पोर्ट्रेट वाला आ गया है। तो ये सभी हमारा है, ये है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का कैटेगरी, और यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा कम है। इट्स अ साउथ प्रीमियम कैटेगरी, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। ये पूरा साउथ प्रीमियम कैटेगरी का हमारा हॉल है, 145 से शुरू हो जाता है, और यहाँ का पूरा सिस्टम ही अलग है, पूरा माहौल ही अलग है दोस्तों। दोस्तों हमारा सीट जो है ना बहुत अमेजिंग जगह पे है, वहाँ से पीच पूरा सीधा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जगह पे।